टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जी मैम, मेरा नाम रवि यादव है, मैं अशोकनगर जिले का निवासी हूँ। मैंने मेरा स्नातक BCM BSc से किया है। मेरी रुचि क्रिकेट खेलने में। आप यहाँ ACF एंड फॉरेस्ट रेंजर के इंटरव्यू के लिए आए हैं जी, तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हो? जी मैम, मैं अपने स्कूल के समय से ही स्टेट सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहता था। वर्ष 2018 में मेरे एक दोस्त के भाई रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए चयनित हुए, उन्हीं से मुझे इस जॉब के बारे में पता चला, इसकी भर की प्रोफाइल पता चली। चूँकि मैम मेरा परिवेश ग्रामीण है, तो जनजातीय लोगों से मेरा थोड़ा जुड़ाव है और पेड़ पौधों से भी मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा है। इस कारण से मैम मुझे लगता है कि मैं फॉरेस्ट सर्विस में बेहतर कर सकता हूँ। जैसे कि आप अभी न्यूज़पेपर्स तो डेली पढ़ते होंगे। जी मैम, मैं आजकल नहीं पढ़ता है। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में वन विभाग और जो ग्रामीण लोग हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं, कटाई हो रही है, सपोर्ट नहीं मिलता वन विभाग को, आए दिन ऐसी न्यूज़ छपती है कि पथराव हुआ, मार खाई। तो ये सब पढ़ने के बाद भी आपका मन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने का? जी मैम, कुछ जानकारियाँ मिलती हैं ऐसी, लेकिन जैसे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, तो उसके तहत स्थानीय निवासियों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण संरक्षण कर पाता है, वन्य जीवों का संरक्षण कर पाता है। मुख्यतः फॉरेस्ट फायर के समय बहुत ज़्यादा मदद मिलती है स्थानीय निवासियों की। तो मैम ये देखते हुए मैं, मुझे लगता है कि सर मैम कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। आप कभी गए हो, आप ग्रामीण परिवेश से हो, तो कभी आप गए हो GFM के थ्रू, आपने कहीं काम किया है? जी नहीं मैम, मेरा राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है मेरा गाँव, तो मैं नहीं जा पाया मैम। ओके सर। रवि यादव जी, जी आप अशोकनगर से हैं? जी। अशोकनगर में फॉरेस्ट की क्या स्थिति है? सर टोटल फॉरेस्ट एरिया 687 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, इसका अधिकांश क्षेत्र कृषि के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, कौन से फॉरेस्ट सर्कल में आता है? जी सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कौन से फॉरेस्ट सर्कल में आता है आपका? जी शिवपुरी सर्कल है सर। शिवपुरी में। शिवपुरी फॉरेस्ट सर्कल की क्या विशेषताएं हैं? सर इसमें विशेषता यदि लघु वन उत्पाद की बात की जाए तो गौण मिलता है, इसके अतिरिक्त खैर पाया जाता है जिससे कत्था की प्राप्ति भी होती है। सर अन्य फॉरेस्ट ट्रीज की बात की जाए तो इसमें सागौन, साल, बेर, नीम, तेंदुपत्ता इत्यादि काफी मात्रा में प्राप्त होता है। एक बात बताइए, अभी कल ही मेरी फॉरेस्ट ऑफिसर से बात हो रही थी कि पहले जो नौकरी हुआ करती थी फॉरेस्ट की, उसमें आज के उसमें बहुत अंतर आ गया है ना। आपको महसूस हो रहा है कि फॉरेस्ट की सर्विसेज में कुछ बदलाव आया है जॉब प्रोफाइल में, कई नए कार्य भी जुड़ गए हैं इनके साथ? जी सर मुझे पूर्व के जॉब का पता नहीं है, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व को कैसे परिभाषित करिए आप? जी सर राष्ट्रीय उद्यानों और यदि राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की बात की जाए, तो वहाँ पे सर केवल वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा था, वहाँ पे सर स्थानीय लोगों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया था। साथ ही जो अजैविक कारक रहते हैं जैसे मृदा जल इत्यादि का विशेष रूप से संरक्षण नहीं किया जा रहा था, जबकि सर बायोस्फीयर रिजर्व में ये दोनों काम किए जा रहे हैं, जहाँ सर हम कोट क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र बनाकर स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं और जैविक और अजैविक कारकों का संरक्षण भी कर पाते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के अभी CCF कौन है इस समय? जी सर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सॉरी सर मुझे चीफ कंजर्वेटर। वन मंत्री कौन है? जी श्री कुंवर विजय साई जी। अच्छा, ये वन कौन सी अनुसूची में आता है? सर ये संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची का विषय है, मतलब फॉरेस्ट को लेकर के केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य कानून, राज्य भी कानून बना सकता है, और कानून अगर आपस में टकरा जाए तो सर केंद्रीय कानून मान्य, केंद्रीय कानून को मान्यता दी जाएगी। फॉरेस्ट शुरू से ही संवर्ती में रहा? जी नहीं सर, पहले ये राज्य सूची का विषय था, वर्ष 1976-42 में संविधान संशोधन के तहत इसे संवर्ती सूची में, इसको राज्य से संवर्ती में क्यों लेकर के आए, कारणों का? सर मुख्यतः शुरुआत में सर जब 1952 में पॉलिसी आई थी तो इसमें काफी ज्यादा अधिकार राज्य को ही दिए गए थे जो संरक्षण के लिए बात की गई थी। इसमें सर राज्य सरकार जो अपने कुछ स्वार्थ के कारण अधिक जमीन लीज पर दे दिया करती थी व्यापारियों को, खनन क्षेत्र के लिए, डेवलपमेंट वर्क इत्यादि के लिए। उसके बाद सर देखा गया कि 1952 से 1980 के दौरान काफी ज्यादा मात्रा में कटाई की गई, इस पर रोकने के लिए सरकार के द्वारा इसे संबद्ध सूची में डाला गया।
और उसके बाद सर वन संरक्षण अधिनियम आया जिससे केंद्र सरकार के पास कुछ और पावर आए उसको संरक्षित करने के लिए। मियावाकी फॉरेस्ट क्या होता है? सर ये एक कुशल तकनीक है लघु फॉरेस्ट बनाने के लिए जिसका अधिकतर उपयोग सिटी फॉरेस्ट में किया जाता है। एक प्रकार के मिश्रित फॉरेस्ट रहते हैं ये। इसमें सर तीन प्रकार के लेयर रहती हैं, इसमें श्रब्स भी रहते हैं, सब ट्री भी रहते हैं और ट्रीज भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त सर इसमें जो पोषण स्तर भी बेहतर रूप से दिया जाता है और इनकी सर वृद्धि रहती है वह सामान्य वनों की तुलना में अधिक रहती है और ये अधिक सघन भी रहती है। कितने वर्षों में एक मियावाकी फॉरेस्ट तैयार है? सर ऐसा माना जाता है सर जो सामान्य फॉरेस्ट 200 से 300 वर्ष में बन पाता है ये वहाँ 20 से 30 सालों में बन जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई 20 से 30 साल में कैसे फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा? सर पहला इसमें पोषण स्तर बेहतर दिया जाता है। जी कितने सालों में मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है? जी मैम 20 से 30 सालों में। सर सही वो मियावाकी का ओरिजिन कहाँ से है? ये जापान के फॉरेस्टर थे सर, उनके मैम उनके द्वारा किया गया। क्या नाम? अकीरा मियावाकी। अकीरा मियावाकी है ना। चलिए कुछ मध्यप्रदेश में फॉरेस्ट डेवलप हुए सर मियावाकी फॉरेस्ट एग्जांपल? जी सर जैसे कि उज्जैन में किया गया है और भोपाल में भी काफी मात्रा में किया गया है। अच्छा उज्जैन में कहाँ देखा आपने? मैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और इंदौर में देखा है आपने? इंदौर में भी है जी मैम, मुझे याद नहीं, बस मैंने पढ़ा है। मैं आप इंदौर में भी मियावाकी डेवलपमेंट हुआ है, पितृ पर्वत भी है और सर ये लाल बाग के पास अभी हमने न्यू हमारा मियावाकी प्लांटेशन। चलिए आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अभी ऑस्कर फिल्म समारोह में एक भारतीय शॉर्ट मूवी को पुरस्कार मिला पर्यावरण पर जीव जंतु पर केंद्रित थी। क्या नाम था उस मूवी का? द एलिफेंट विस्पर। द एलिफेंट विस्पर। क्या खास ये मूवी देखी आपने? जी नहीं सर मैंने मूवी नहीं देखी। देखना चाहिए ना एक बार, चूंकि सर वो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री थी। मैंने तो हिंदी में देखी, अपने को तो अंग्रेजी आती नहीं है। क्या खासियत है इस फिल्म की जिसको ऑस्कर के लिए चुना गया? सर उसमें एक हाथी और मानव के आपस में संबंध को बताया गया है, जो जहां सर हम वन्य जीव संघर्ष की बात करते हैं ये उसके विपरीत दिखाया गया कि वह आपस में रह सकती हैं। किसने बनाई ये मूवी? जी सर मुझे याद नहीं आ रहा है। रवि जी। जी सर देखिए आप हैं अशोक नगर से आते हैं और सम्राट अशोक की नगरी है ना। तुमन अभिलेख के बारे में नहीं पढ़ा होगा आपने? तुमन इंस्क्रिप्शन क्या है? सर ये कुमारगुप्त के समय का अभिलेख था जहाँ इसमें एक जानकारी मिलती है राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति कहा जाता है। ठीक है तो कौन से सामंत के समय का है ये? सामंत का कुछ नाम भी मिलता है उसमें? जी नहीं सर मुझे जानकारी नहीं। वैसे तो तुमन में अशोक के भी अभिलेख मिले हैं। जी सर अशोक सम्राट के भी कुछ अभिलेखों की जानकारी मिली है। इसके अतिरिक्त सर सांची स्तूप में भी तुमन का वर्णन किया गया है। चलिए ये बताएं आप जीवाजी राव यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उस समय ग्वालियर के महाराज कौन थे? जी जयाजी राव। से जयाजी राव। भारत जब स्वतंत्र हुआ है उस समय? जीवाजी राव जी। बैजाबाई कौन थी? सॉरी सर मुझे जानकारी, बैजाबाई राजमाता के बारे में जानकारी नहीं है? जी नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं बेटा, मुझे ये बताइए कि दिल्ली मेट्रो है ठीक है, दिल्ली मेट्रो में जब हम बैठते हैं ना तो उस समय दिल्ली मेट्रो में उपयोग किया जाने वाला जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है उसमें है ना, तो जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है। चलिए ऊर्जा संरक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? आपका पीसीएम है? जी सर। ठीक है ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताइए आप। सॉरी सर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने? जी सर सिद्धांत पढ़ा। सर इसमें कहा गया है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसका भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। बना तो सकते हैं? जी सर निर्माण किया जा सकता है। कर सकते हैं? जैसे कि सर सौर ऊर्जा के माध्यम से कर रहे हैं या पवन ऊर्जा या हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से। सौर ऊर्जा से आप जो बिजली बना रहे हैं या पन बिजली आप जो निर्माण कर रहे हैं तो क्या आप ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं? नहीं सर उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं निर्माण कर सकते हैं। जी नहीं सर मैम। तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, दिल्ली मेट्रो में जो ब्रेक सिस्टम है तो ब्रेक सिस्टम
जो है ब्रेक जब लगाते हैं तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? साइंस में पढ़ा होगा ना आपने, भाई हमने ब्रेक लगाया, ट्रेन क्या है? गतिशील है, मोबिलिटी है। मोबिलिटी यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें मोबिलिटी है तो वहां कौन सी एनर्जी है? स्थिर ऊर्जा होगी सर, स्थिर ऊर्जा। गतिशील ऊर्जा रुकेगी तो स्थिर ऊर्जा के रूप में कार्य करेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक गतिशील, गतिशील है तो सर गतिशील ऊर्जा ही होगी, गतिज ऊर्जा होगी ना, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब उस काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसको क्या किया जाता है, एक आप कहें कन्वर्टर मशीन होती है या हम कहें इन्वर्टर, कन्वर्टर एंड इन्वर्टर मशीन होती है ना, तो उस कन्वर्टर या इन्वर्टर मशीन के थ्रू जो है उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रेन की, है ना, और उस विद्युत का उपयोग फिर क्या करते हैं, ट्रेन को ऑपरेट करने में करते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है ना। देखिए मैंने आपको कुछ जानकारी दी, आप धन्यवाद तो दें, धन्यवाद सर, पता समझ में तो आया जी सर, है ना। ये चीजें आप देखें ऊर्जा संरक्षण के बारे में। चलो मोमबत्ती है, मोमबत्ती में कौन सी ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में, मैं तो प्रकाश ऊर्जा में, तो सर प्रकाश ऊर्जा भी हो सकती है और ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा होती है। मैंने कहा सितार है, एक सितार लिया आपने, सितार बजाने का है ना, उसमें कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा का, ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। अब बेटा मुझे ये बताओ कि आपने जो है पोरुखेड़ी, पोरुखेड़ी के रहने वाले हैं, नई सराय के रहने वाले हैं आप, तो पोरुखेड़ी में जो वन क्षेत्र है तो वन क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? सर इसमें विशेष रूप से कोई वन क्षेत्र नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ये राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है, राजस्व क्षेत्र में आता है। तो आपके क्षेत्र की कौन सी मूलभूत समस्याएं, कोई तीन समस्याओं के नाम बताएं जी सर। सर पहली सर पलायन की समस्या है सर, जहाँ रोजगार की उपलब्धता नहीं है, चूंकि सर अशोकनगर में भी विशेष रूप से कोई उद्योग नहीं है तो लोग बाग यहाँ से पलायन करते हैं। दूसरी सर कुछ मात्रा में शिक्षा की कमी है, जो सर मैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है आदिवासी क्षेत्र में मेरे कुछ दोस्त हैं तो उनसे ही मुझे जानकारी मिली है, वहाँ भी सर कोई भी व्यक्ति दसवीं क्लास के पास, कौन सी किस तरह की जनजातियाँ पाई जाती है सर? मूल रूप से शहरी जनजाति, शहरी जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा सर कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, अनियमित वर्षा के कारण इसमें सर जल स्तर काफी नीचे पहुंच चुका है, तो सर जैसा कि रबी की फसल के दौरान दूसरे या तीसरा पानी देने की समस्याएं देखी जाती हैं। चलिए आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है कुल मिला, आपने पढ़ा होगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश 70,493 है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सर कुल शासन के द्वारा जो वन क्षेत्र बताया, 94,689 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने भारत सरकार की कोई रिपोर्ट पढ़ी थी, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि उसमें जो है भारत का वन क्षेत्र जो है 87,080 square kilometers एमपी का 87,080 square kilometers इज रिकॉर्डेड एरिया है ना बाय है ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम किसको सही माने? चूंकि सर वन क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा भी क्षेत्र शामिल होता है जहाँ भी वर्तमान पेड़ पौधे नहीं है, वहीं सर जो FIFSI को ठीक है ना, मैं तो मान रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश शासन ने इतना बता रहा है और आज भारत सरकार इतना बता रही है, तो मैं आपसे 7,609 वर्ग किलोमीटर का हिसाब पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ 7,609 वर्ग किलोमीटर का कुछ ये डिफरेंस आ रहा है, ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है? सर FSI के द्वारा जो सेटेलाइट के माध्यम से वन क्षेत्र का गणना की जाती है वो सर उस एरिया को लिया जाता है जहाँ वर्तमान में पेड़ पौधे हैं एक कैनोपी के आधार पर, इसमें सर 10% से ज्यादा कैनोपी पाई जाती है उन क्षेत्र को लिया जाता है, और सर चूंकि सर वन क्षेत्र काफी बड़ा है। मुझे तो आप ये बताइए ना कि भाई ये अंतर क्यों आता है, ये 7,609 वर्ग किलोमीटर का अंतर सर वन क्षेत्र में उनको जो अधिक मात्रा में फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं कोई बाहर ट्री कवर्ड हो गई की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी सर मुझे उस संबंध में आप थोड़ा मतलब सर ने जो क्वेश्चन पूछा था बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, ये जो
एफएसआई जो आप जो कह रहे थे वो भी सही है, सैटेलाइट के थ्रू कैनोपी इमेजिन इमेजिनरी के द्वारा वो डिसाइड होता है। इसको आप थोड़ा डिटेल में देखिएगा, लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं हर डिपार्टमेंट के, तो रिवेन्यू लैंड रिकॉर्ड में और फॉरेस्ट लैंड रिकॉर्ड में कॉमन फॉरेस्ट एरिया भी है, दैट इज कॉल्ड ऑरेंज फॉरेस्ट एरिया, उसको आप पढ़ना एक बार।